नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सर दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019। जी हाँ दोस्तों, आपको मिला है एक नंबर कॉमन। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को मिला कॉमन नंबर और सभी को दोस्तों एक नंबर प्लस होकर अब आपका रिजल्ट आने वाला है पेपर टू में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पेपर टू दे रखा था तो दोस्तों आप देख रहे होंगे पेपर कोड ई, सेट ई में दोस्तों आप देख रहे होंगे ना पेपर टू में दोस्तों, और सेट ई है। तो दोस्तों आपका देखिए 87 क्वेश्चन नंबर में देखिए आपके यहाँ पर आंसर में 9 लिखा है। और दोस्तों अगर आपके किसी भी उत्तर में 9 लिखा है तो इसका मतलब है वो सभी को दोस्तों एक नंबर आपका फ्री का मिलेगा। तो मतलब दोस्तों इसका है कि इसका आंसर या तो विकल्प में नहीं है या तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों अगर आपका पेपर अगर लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू भी अगर आपने ले रखा था तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं टोटल दोस्तों कितनी बार अगर आपका 9 लिखा है। तो दोस्तों जितनी बार 9 लिखा होगा उतने नंबर आपको फ्री के दिए जाएंगे। तो दोस्तों कम से कम आपको एक नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। जो बच्चे एक नंबर से जिन बच्चों का सीटेट रुक रहा होगा तो वो बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं तो आप पूरी दोस्तों अपना देख सकते हैं आंसर की। तो दोस्तों सीटेट आंसर की का लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आप में कितने विकल्प में दोस्तों 9 आपको दिख रहा है। अगर दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है, देखिए मेन मैटर क्या है, आप फिलहाल 90 तक तो आपको यहाँ नहीं दिखेगा। उसके बाद अगर आपने लैंग्वेज वन में अगर हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी ले रखा है तो दोस्तों वहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और कुछ अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों सीटेट 2019 रिवाइज रिजल्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, कब तक जारी होगा, काफी बच्चों के सवाल आ रहे हैं। देखिए दोस्तों ये आप किसी भी समय, जी हाँ दोस्तों किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और सबको प्लस वन नंबर करके ही मिलेगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए फिलहाल ये जो आपके आंसर की जारी की गई थी रिवाइज वाली वो 27 दिसंबर 2019 को, तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर आपने मतलब रिवाइज आंसर की में दोस्तों अगर आपका फाइनल, जैसे आपने देखा होगा फाइनल आंसर की जो जारी की गई वो बाद में की गई थी। अगर दोस्तों आपके नंबर एक नंबर जोड़ के नहीं दिए गए तो आप उसको मिला लीजिए। अगर दोस्तों आपको एक नंबर प्लस वन करके मिले तो दोस्तों फिर अब आपका कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो सिंपल था दोस्तों ये प्रोसीजर था। आप रिजल्ट के लिए दोस्तों हम लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, उसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे कि आपका रिजल्ट आया है नहीं। तो एक बार दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में नजर जरूर डालिएगा, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपका रिजल्ट अभी जारी किया गया है या नहीं। तो दोस्तों आपने फिलहाल यहाँ पर देख लिया कि आपको कम से कम एक नंबर फ्री का मिला, हर एक बच्चे को मिला है दोस्तों। तो जिन बच्चों ने पेपर टू का पेपर दे रखा है तो उनको एक नंबर का अच्छा खासा फायदा हुआ, ठीक है ना। सभी नंबर दोस्तों जो कॉमन नंबर होते हैं वो हर एक बच्चे को मिलता है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, और वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देख सकते हैं कि आपका सीटेट 2020 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और केवीएस को दोस्तों आवेदन कब से शुरू हो पाएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो को अंत तक आप देखें, सब कुछ देखेंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपको पेपर टू में एक नंबर आपको कॉमन दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी आपके कब से शुरू होंगे आवेदन सीटेट 2020 के लिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट 2019 का जो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। और दोस्तों कल आपने देखा हुआ एक नोटिस जारी किया गया सीटेट की तरफ से, पब्लिक नोटिस। जी हाँ दोस्तों, जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया था सीटेट के लिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है कि आपका 1 जनवरी 2020 को एक नोटिस जारी हुआ है। क्या दोस्तों नोटिस आई, इसको पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों लिखा है इसमें साफ साफ कि इट इज नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड कैलकुलेशन सीट विद कॉपी ऑफ ओएमआर सीट टू द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन सीटेट दिसंबर 2019 दियर रिक्वेस्ट अलोंग विद प्रिस्क्राइब्ड फी दिस फैकल्टी विल कमेंस WEF 1/1/2020। तो दोस्तों कुछ आपके सामने ऐसी नोटिस जारी हुई, तो दोस्तों इसका हम आपको लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में। जी हां दोस्तों, इस लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, आपका RTI के लिए कुछ लिखा है इसको चलिए पहले आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट क्या था आपका कि द कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू ऑब्टेन देयर कैलकुलेशन सीट विद कॉपी ऑफ द OMR सीट शैल अप्लाई द सेम अलोंग विद द रिक्वेस्ट फीस ऑफ ₹500 ऑन आर बिफोर 31/1/2020। मतलब 31 जनवरी तक दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको ₹500 फीस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका लिखा है कि RTI एक्ट 2005 दोस्तों जो चीज़ है ये सब जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका डिसाइड है कि आपको करना है कि नहीं। अगर आपको अपनी OMR सीट चाहिए तो दोस्तों आप ₹500 पेमेंट करके इस एड्रेस पर ये सब कर देना है। तो इसका दोस्तों प्रॉपर लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो इस पब्लिक नोटिस को एक बार आप देख सकते हैं जो बच्चे पेपर दिए थे सीटेट का सिर्फ उनके लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपके कब से शुरू होंगे आवेदन सीटेट 2020 के लिए। देखिए अभी तक इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीटेट की तरफ से जारी नहीं किया गया है। देखिए दोस्तों अभी फिलहाल सीटेट जो है ना 2019 वाला जो रिजल्ट जारी हुआ है उसी में दोस्तों थोड़ा सीटेट अभी बिजी चल रहा है, तो उसके बाद ही आपका दोस्तों 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। तो अभी दोस्तों आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा सीटेट 2020 के लिए। अब दोस्तों एक और अपडेट आएगी आपके कि जो सीटेट 2019 का रिवाइज रिजल्ट क्या जारी होगा या नहीं।
एक क्वेश्चन मार्क दोस्त इसलिए यहाँ पर खड़ा हो रहा है ना क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो आपकी आंसर की जारी हुई थी रिवाइज्ड वाली, उसमें दोस्तों पहले एक से लेकर 90 नंबर तक तो कोई क्वेश्चन आपने देखा होगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों अगर आपने दोस्तों पूरा प्रश्न पत्र हल को देखा होगा, पूरी आंसर की दोस्तों आपने मिला लिया होगा। देखिए काफी बच्चे लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में अलग अलग सब्जेक्ट्स लेते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, 102 नंबर या जो भी नंबर दोस्तों आपको कॉमन दिया गया हो। अगर दोस्तों आपने कहीं पर भी 9 नंबर वाला वर्ड्स दिख रहा हो, इसका मतलब दोस्तों है कि आपको एक नंबर कॉमन दिया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल कि आपके 9 नंबर बढ़ेंगे, इसका मतलब ये आपकी जो आंसर किया है दोस्तों वहाँ पर आपका था 1 2 3 4 करके दिया होगा, याद होगा आपको तो 1 2 3 4, ठीक ना। किसी का विकल्प ये सही है, किसी का 2 3 और किसी का 4। अगर दोस्तों आपके आंसर की में कहीं पर 9 मेंशन किया गया तो इसका मतलब है एक नंबर दोस्तों आपका मुफ्त का दिया जाएगा, मतलब एक नंबर आपका फ्री का होगा। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर आपको ये बात अगर आपने नोटिस की हो तो दोस्तों ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा, एक बार उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि KVS के आवेदन कब से होंगे। देखिए काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, देखिए दोस्तों 6000 शिक्षक भर्ती आने वाली, मतलब 6000 पदों पर टीचर्स वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों अभी देखिए इसके लिए कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ दोस्तों ये इतना है कि आप बहुत ही जल्द अब 2020 में कभी भी इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है कि आपके 6000 पदों के लिए टीचर्स वैकेंसी शुरू की जाए। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो बच्चे सीटेट को पास नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों उनके लिए मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनको वो बच्चे KVS में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे सीटेट 2019 या उससे पहले सीटेट आपने क्लियर कर रखा है तो ही दोस्तों आप लोग KVS के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर तक कब तक पहुंचेगा। तो दोस्तों देखिए अभी आपको किसी भी समय आपके मोबाइल पर मैसेजेस आ सकते हैं, उसका लिंक आ जाएगा कि आपको कैसे इसको ओपन करना है। तो डिजी लॉकर की दोस्तों जो डिटेल्स होती है, जो आप फोन नंबर आप देते हैं उसी पर उस डिटेल्स को भेज दिया जाता है सीटेट की तरफ से, तो आप वेट एंड वॉच करिए। तो जब भी दोस्तों इसकी अपडेट्स आएगी हम आपको अपडेट करके बता देंगे और पूरी दोस्तों वीडियो बना देंगे कि आप लोग दोस्तों डिजी लॉकर से, जी हाँ दोस्तों डिजी लॉकर से आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट को। तो बहुत ही आसान सा प्रोसीजर होता है, इसको दोस्तों पूरी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करके बताएंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि डिजी लॉकर से आपको आपका जो सर्टिफिकेट उसे कैसे डाउनलोड करना है। देखिए आप कुछ बातें दोस्तों और कर लेते हैं, जो नेक्स्ट सीटेट 2020 का आने वाला फॉर्म उसमें हमें कैसे तैयारी करनी है, आप गलती कहाँ करते पहले इसको हम बता देते हैं। आप लोग अधिकतर दोस्तों इसको फोकस करके जाते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको पढ़ लेते हैं तो कुछ हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ मैथमेटिक्स का पढ़िए, जी हाँ दोस्तों मैथ्स के अलावा कुछ भी मत पढ़िए, मैथ्स में भी पेडागोजी को मत देखिएगा। देखिए होता क्या है ना, कुछ बच्चे होते हैं कि ये कहा जाता है कि यार पिछले 5 साल, ठीक ना 5 साल या 10 साल के जितने भी आप अब तक मतलब सीटेट के पेपर हो गए सभी को आप पढ़ के जाएंगे तो आपका सीटेट का एग्जाम निकल जाएगा। देखिए वो एक आइडिया लेने को होता है, अगर आप सिर्फ 2019 का भी सीटेट का पेपर अगर आपने दिया तो खाली उसको एक बार देख लीजिए कि पेपर कैसे आता है। तो सीटेट से दोस्तों आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि सीटेट में क्वेश्चन कभी भी रिपीट होंगे, जी नहीं दोस्तों किसी भी पेपर में आपका पेपर रिपीट नहीं होता। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि पिछले 10 साल के सीटेट के पूरे पेपर को रट्टा मार कर चले जाते हैं और दोस्तों वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो आपको एक चीज़ फोकस करना है, आप उन क्वेश्चन को हमेशा इग्नोर करिए जो क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही रेयर केस में आपके रिपीट होते हैं 102 नंबर का, तो आपको 150 नंबर के लिए अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपका दोस्तों कम से कम अगर मान लेते 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बाकी आप 145 नंबर कहाँ से स्कोर करेंगे ये सोचिए ना आप। तो आगे से दोस्तों आप ये गलती मत करिएगा, जो पिछले साल का पेपर अगर आपको देखना है तो सिर्फ एक का देख लीजिए, जैसे 2019 का ही देख लीजिए कि पेपर कैसे बना, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए आपको ये देखना होता है। ये नहीं मतलब होता कि उसको रट्टा मार लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए आप, वही आप पढ़कर जाएंगे। मतलब अगर आपने मान लेते हैं 10 साल का दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया सीटेट का, देखिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो सीटेट के मत देखिए। अगर कभी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो सीटेट के दोस्तों क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे। अगर आपको देखना है तो आप यूपी टेट देख लीजिए, बिहार टेट देख लीजिए, कहीं का भी दोस्तों जैसे आसाम टेट होने वाला उसको देखिए, उससे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सीटेट में भी दोस्तों ऐसा थोड़ी नहीं कि हर बार क्वेश्चन मतलब वही मैच होने लगेंगे तो फिर मतलब ही क्या सीटेट का, सभी बच्चे क्लियर कर जाएंगे। तो अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं। और दूसरी गलती आपसे ये होती है ना सीटेट के पेपर में लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, दोस्तों इसको चूज करने में काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि जब आप लोग तैयारी करते कोचिंग पे जाते तो दोस्तों उनसे पूछिए कि कैसे लैंग्वेज वन होता है। होता क्या दोस्तों सीटेट का भी दोस्तों जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हमें भी बेकार लगता है कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज वन में, समझिए इसको पहले, अगर भाषा वन में अगर आपने दोस्तों हिंदी ले रखा है, लेकिन बच्चे को दोस्तों होता क्या हिंदी आपने ले रखा तो आपके सामने दोस्तों फ्री का इंग्लिश भी दे दिया जाएगा। अब गलती कहाँ से होती है हम आपको बताते हैं, लैंग्वेज वन में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया, अब लैंग्वेज टू में भी दोस्तों, लैंग्वेज टू जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर भी आपका हिंदी भी दिया रहेगा, ठीक है ना, हिंदी पहला लिखा रहेगा दूसरा इंग्लिश लिखा रहेगा।
गलती यहाँ होती है दोस्तों, जब लैंग्वेज वन में आपने पहले हिंदी सॉल्व कर लिया तो आपको लगेगा चलो इंग्लिश भी दिख रहा है, अब इंग्लिश को भी वही जगह सॉल्व कर लेते हैं। बस गलती है दोस्तों, आप एक ही लैंग्वेज में दो दो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, वही आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। सभी बच्चे दोस्तों क्या होता है उस समय थोड़ा आपको टेंशन भी रहती है पेपर के टाइम, बच्चे डरते रहते हैं, तो वहाँ आपसे ये बड़ी गलती होती है। आपका इस बार जो रिजल्ट है 22.5% है, आपको पता होगा ऐसा फीसदी मतलब इतने बच्चे पास हुए इस बार, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और हो सकती थी। अगर जो दोस्तों लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू वाला जो हर बार ऐसा दोस्तों फंसता है, काफ़ी बच्चे दोस्तों इसमें गलती कर जाते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में सीटेट इस पर ध्यान दें। और दोस्तों जो लैंग्वेज वन में अगर कोई बच्चा सिर्फ हिंदी ले रखा है तो उसको दोस्तों जब पेपर मिले बुकलेट मिले तो लैंग्वेज वन में वहाँ पर सिर्फ हिंदी होनी चाहिए, लैंग्वेज टू में अगर उसने इंग्लिश लिया तो उसको सिर्फ वहाँ इंग्लिश मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों क्या मतलब है इतने कागज़ की बेइज्जती हो रही है ना, ये मतलब को दोस्तों पेपर इतना बड़ा बनाया जाता है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो पेपर होगा सीटेट का तो उसमें ऐसी गलती सीटेट ना करें जिससे दोस्तों बच्चों का नुकसान होता है। काफ़ी बच्चे इसी चक्कर में गलती कर जाते हैं। देखिए अगर आप 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू चूज करने में गलती कर गए तो मतलब यार एक दो प्रश्न का ऊपर नीचे नहीं होता, आपका 30 क्वेश्चन दोस्तों ऊपर नीचे हो जाते हैं। 30 क्वेश्चन अगर दोस्तों आपने पूरी तरीके से गलत करती है तो आपकी कापियाँ सिर्फ 120 क्वेश्चन में चेक होती है। मतलब अगर आप पास होने की मतलब अच्छे से पढ़कर भी गए तो भी दोस्तों आप फेल हो जाएंगे, मतलब तैयारी आपकी अच्छी थी लेकिन आपने गलती कहाँ की लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू को चूज करने में। और उम्मीद करेंगे दोस्तों आने वाले टाइम में इस पर आप विशेषकर फोकस करेंगे। और दोस्तों गणित, देखिए मैथ बहुत ही आसान पेपर होता है, देखिए जब आप सीटेट की तैयारी करें तो आपका एक पेडागोजी सेक्शन बहुत ही ज्यादा आता है, आप इतने इस बार आपने इसको गौर भी किया होगा। पेडागोजी में मतलब ये नहीं होता कि आप किसी किताब से पढ़कर जाएंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफी दोस्तों कम बार देखा गया कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पेडागोजी का मतलब ही होता है कि आपको वहां पर अपना दिमाग लगाकर उस क्वेश्चन को हल करना है। तो एनसीएफ वाले कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसका आंसर तो आपको पता रहेगा कि यही होगा सेम टू सेम आंसर, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर तुरंत सोच विचार कर देना होता है, तो वहां आपसे गलतियां होती हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आप ऐसी गलतियां मत करें। तो बस दोस्तों कुछ और दिन बचे हैं आपके सीटेट के लिए, ठीक है सीटेट 2020 के लिए, तो बस अभी से दोस्तों आप लोग तैयारी शुरू रखिए। जो केवीएस का आवेदन होंगे सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन उम्मीद करिए जो बच्चे पास नहीं हो पाए उन बच्चों के मन में बस एक ही चल रहा होगा कि यार केवीएस का जो फॉर्म है थोड़ा सा लेट हो जाए, उनको फायदा मिल जाएगा। देखिए जो सीटेट का पेपर होगा मैक्सिमम डेट आपकी जाएगी सीटेट, ठीक है ना, सीटेट आपका जाएगा जुलाई तक, सीटेट जुलाई 2020, उससे दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं होगा आपका पेपर, मतलब जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। अगस्त तक दोस्तों आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब अगस्त तक आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट हो सकता है अगर आज से ही आप जी जान लगाकर तैयारी करने लगे तो, ठीक है ना। जो सीटेट का दोस्तों रिवाइज रिजल्ट जारी होगा सबसे पहले हम आपको अपडेट करके बता देंगे, फिलहाल पब्लिक नोटिस को एक बार आप देख सकते हैं और जो भी अपडेट आएंगे दोस्तों हम आपको बता दें, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों इसका लिंक जो पब्लिक नोटिस इसका लिंक हम अभी आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां से इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।